फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो आज मंगलवार है एंड टुडे इज 14th अप्रैल। तो आई वॉन्ट टू विश यू ऑल, जो लोग मेरे बंगाली फ्रेंड्स ये देख रहे हैं, दैट हैप्पी पहला बैशाख। पहला बैशाखेर प्रीति और शुभेच्छा रोइलो आमार तरफ थेके एंड फ्रॉम माय एंटायर फैमिली। चलो राय बोले दो, हैप्पी पहला बैशाख। हैप्पी पहला बैशाख। व्हाट इज पहला बैशाख मींस? हैप्पी न्यू ईयर। या राय को भी पता है कि आज हम लोगों का बंगाली का न्यू ईयर है, पर आज सिर्फ बंगाली लोगों का ही न्यू ईयर नहीं है, आज है बैसाखी ऑल्सो। सो हैप्पी बैसाखी, हैप्पी रंगाली बिहू। एंड जो लोग लाइक फॉर ऑल माय केरलाइट्स फ्रेंड, हैप्पी बासु। अगर बासु मैंने गलत बोला है तो आई एम वेरी सॉरी। एंड यू ऑल कैन सी द कैंडल। तो कल बहुत खराब हालत था। जो लोग यूएस में रहते हैं, मोस्ट ऑफ यू नो कि वेदर, मैं बोलती हूँ ना, यूएस में ना सिर्फ ये तो एडेड एक प्रॉब्लम आ गया, ऐसा भी वेदर का बहुत प्रॉब्लम रहता है। तो येस्टरडे मैंने आप सबको दिखाया भी था, राइट, इट वॉज रेनिंग, फिर हम लोग का पावर चला गया। आई थिंक सो मैंने वीडियो एंड किया एंड इमिडिएटली तब हम लोग का पावर चला गया। तो सुबह 10 से रात के 8 बजे तक हम लोग का कोई भी पावर नहीं था। एंड अगर करंट नहीं रहेगा तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है कि मैं खाना कैसा पकाऊँ, क्योंकि मेरा तो वो चलता ही इलेक्ट्रिसिटी से। तो क्या करे, कुछ खाना वाना नहीं था, बहुत ही ख़राब हालत में थे कल हम लोग यहाँ पर। चलो वही जुगाड़ कर करके हो गया। तो चलिए किचन की ओर चलते हैं एंड देन लेट मी शो कि मैंने क्या क्या प्रिपरेशन किया है, बिकॉज इट्स प्रीटी लेट नाउ, इट इज़ 11:20 ऑलरेडी हो चुका है। तो चलिए अभी खाना बनाते हैं। एंड हाँ, आप सब ने क्या खाना बनाया इस स्पेशल मौके पर कमेंट पे जरूर लिखना। आई एम श्योर डेफिनेटली ऑल ऑफ यू विल बी मेकिंग समथिंग स्पेशल, एंड बनाना भी चाहिए यार, इट्स ए न्यू बिगिनिंग, बोलते हैं ना नया साल, मतलब हो सकता है अभी स्टार्टिंग थोड़ा, स्टार्टिंग से पहले ही थोड़ा बम्पी था, बट यू डोंट नो। मुझे हर वक्त आई ऑलवेज बिलीव कि चमत्कार हो भी सकता है, हो भी सकता है ये जो एक प्रॉब्लम है वो जल्दी सॉल्व हो जाए। सो विथ ए होप नया साल हम लोग हंसी खुशी के साथ स्टार्ट करेंगे। अच्छा ही बोला ना मैंने हिंदी? हाँ अच्छा ही, मुझे लगता है मेरा हिंदी अच्छा ही था। हंसी खुशी के साथ स्टार्ट करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट कुकिंग। एंड या आज आई विल बी शेयरिंग ए डेजर्ट, मैंने वो कल ही सीखा है, अभी तक मैंने खुद नहीं बनाया है, पर चलो आज आप सबके साथ ही बनाएंगे एंड फिर मैं टेस्ट करके बताऊंगी कि कैसा है। इट्स अ टाइप ऑफ पुडिंग, इट्स अ टर्किश पुडिंग। तो बहुत ही सिंपल है एंड देखने में बहुत देखने में ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा, तो आई थॉट लेट मी मेक दिस वन एज अ नॉर्मल जो इंडियन डेजर्ट है, हम लोगों ने बहुत बार उसको ट्राई किया है। एंड मैं बनाने वाली हूँ बासुंती पुलाव। तो ये पुलाव ना, फर्स्ट मैंने राइस को ऑलरेडी पानी से धो के सारा पानी स्ट्रेन कर दिया है, फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया था टर्मरिक पाउडर, लिटिल बिट ऑफ जिंजर जूस, गरम मसाला पाउडर एंड सम घी देके मैंने अच्छे तरीके से मिक्स करके रख दिया था। एंड यू कैन सी अभी राइस का कलर हो गया है येल्लो। तो चलिए लेट्स कुक। फर्स्ट मैं चिकन बनाऊंगी एंड फिर हम लोग वो डेजर्ट बनाएंगे। तो मेरा घर का गरम मसाला इज ऑलमोस्ट ओवर, तो फर्स्ट मैं गरम मसाला बनाऊंगी एंड मैं गरम मसाला हर वक्त इलायची लौंग एंड दालचीनी से बनाती हूँ। हम लोग को ड्राई रोस्ट करना है इसको। तो मेरा गरम मसाला पाउडर खत्म हो गया था। तो फॉर गरम मसाला ना, दिस इज माय स्टाइल का गरम मसाला मैं बनाती हूँ। तो मैं हर वक्त ऐड करती हूँ इक्वल अमाउंट ऑफ इलायची एंड दालचीनी एंड हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ लौंग। कभी कभी मैं इसमें तेज पत्ता भी देती हूँ, पर अभी मेरे पास तेज पत्ता नहीं है। तो चलो ये तीन से ही बहुत ही अच्छा मुझे पसंद है गरम मसाला इसी तरीके से। बहुत जन तो बहुत कुछ ऐड करते हैं, कोई कोई बड़ी इलायची भी ऐड करता है, डिफरेंट जगह पे ना डिफरेंट तरह का गरम मसाला होता है, मैं हर वक्त ये स्टाइल से बनाती हूँ। तो अभी हम लोग इसको रोस्ट करेंगे एंड फिर ठंडा करके ग्राइंड कर लेंगे। तो
चलिए चिकन कोशा बनाते हैं। बंगाली कोई भी चिकन का रेसिपी हो, आलू इज ए मस्ट। स्पेशली मैं ट्रेडिशनल वे में बना रही हूँ, तो पहले हम लोग आलू को फ्राई कर लेंगे एंड उसके बाद ना मैं आलू को निकाल लेती हूँ एंड मैं माइक्रोवेव में इसको बॉयल कर लेती हूँ। लाइक इसी तरीके से मैं माइक्रोवेव में दे दूँगी फॉर अराउंड 2 मिनट्स। एंड अभी मैंने ऑयल में दे दिया है होल गरम मसाला एंड आज मैंने थोड़ा ज़्यादा ही प्याज ऐड किया है क्योंकि मुझे लगा कि चलो मैं बोर हो गई हूँ सेम सिर्फ अनियन पेस्ट ऐड करते करते। तो मैंने अराउंड 2 मीडियम साइज अनियन लिया था। तो प्याज जब अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए तब मैं चिकन ऐड कर दूंगी एंड मैंने चिकन को पहले से मैरिनेट करके रखा था विथ सम टर्मरिक पाउडर, फिर रेड चिली पाउडर एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो अभी मैं चिकन में ऐड कर रही हूँ अराउंड 1 टीस्पून ऑफ जीरा पाउडर एंड अभी मैं इसमें थोड़ा लाइक तीखा रेड चिली पाउडर वो मैंने ऐड कर दिया है एंड फिर मैंने ऐड कर दिया है अराउंड 3 टेबलस्पून ऑफ योगर्ट यानी दही। तो अच्छी तरीके से अभी हम लोगों को चिकन को फ्राई करना है इसीलिए इसको चिकन कोशा बोलते हैं। फिर ऐड कर देंगे थोड़ा पानी एंड कवर करके रख देंगे। तो गरम मसाला ठंडा होने के बाद मैंने ग्राइंड कर लिया था एंड ये गरम मसाला आराम से मेरा 3 महीना तक तो चल जाएगा। तो अभी मैं चिकन में आलू ऐड करूँगी एंड आलू ऑलमोस्ट कुक हो चुका है क्योंकि मैं जैसे बोल रही थी ना कि मैंने माइक्रोवेव कर लिया था आलू एंड एट द एंड हम लोग थोड़ा गरम मसाला ऐड करेंगे एंड कवर करके रख देंगे फॉर अनदर 10 मिनट्स। तो चिकन इज़ ऑलमोस्ट डन एंड पोइला बैशाख का मौका है एंड न्यू ईयर का मौका है एंड बंगालीज़ के लिए फ़िश इज़ वेरी शुभ माना जाता है। तो मेरे पास थोड़ा श्रिम्प है तो मैं उससे मलाई करी बनाऊँगी। सी थिंग्स वी कैन गेट, ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि कुछ भी नहीं मिल रहा है एंड ऑल, यू कैन गेट द थिंग्स, पर अभी आपको ना बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है। लाइक मैं हम लोगों की जगह के बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे ना बहुत कम स्टोर्स है एंड जो स्टोर से मैं ला रही हूँ डीको एंड सन्स, वो स्टोर सबसे लाइक दे हैव अ लॉट ऑफ स्टॉक एंड वो स्टोर का सामान बहुत अच्छा है। तो जैसा कि हो रहा है ना कि ऐसा नहीं होगा कि आज मुझे श्रिम बनाना है मैं मंडे को मैं बोल दूंगी, नहीं ऐसा नहीं होगा। आपको बहुत 1 वीक पहले से आपको सोचना है कि क्या क्या आपके किचन में ख़त्म हो जाएगा, देन यू हैव टू ऑर्डर एंड फिर वो ट्राई करना पड़ता है कि कब विंडो ओपन होगा कब विंडो ओपन होगा। तो मैंने जो जो ऑर्डर दिया है वो सब सामान मे बी मेरा लाइक नेक्स्ट वीक को ख़त्म होगा। अभी मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है कि ख़त्म हो गया एंड इमीडिएटली देन लाइक मैं ऑर्डर करूँगी और मुझे मिल जाएगा। हम लोग का यहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा है। शायद पहले पहले जब स्टार्ट हुआ था ना तब एक रोज़ हुआ था कि हम लोगों ने जब ऑर्डर दिया था विद इन 4 आवर्स हम लोग को डिलीवरी मिल गया था, पर नाउ इट्स इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं रहा है। इसलिए बहुत जन क्या कर रहे हैं, मेनी पीपल आर गोइंग टू द ग्रॉसरी स्टोर ओनली। ऐसा कि सबका रहता, किसी को रहता है ना कि छोड़ो यार क्या ये सब विंडो कब ओपन होगा कब ओपन होगा, इससे अच्छा कि हम लोग जाके लेके आए। पर मैं प्रेफर करती हूँ भाई घर में ही रहना, मुझे बहुत ही डर लगता है ये सबसे। तो चलो दिस चिकन इज डन एंड रायका भी आज क्लास चल रहा है एंड मेरे हबी का इट सीम्स होल डे मीटिंग है। तो मैंने सबको बोला है कि तुम लोग सब बोलो कब तुम लोग दोनों फ्री हो रहे हो क्योंकि खाना सब लोग मिलके ही खाएंगे। जनरली वीकडेज में हम लोग सब लोग एक साथ मिलके लंच नहीं करते, लाइक रायका कभी होता है ना मम्मी मेरा और एक मीटिंग है, लाइक टीचर वर्चुअली आते हैं तो टीचर लोग भी अपने कन्वीनियंस से ही अभी टाइम करते हैं। ऐसा स्कूल का टाइम एंड ऑल दे डोंट मेंटेन बिकॉज सभी लोग घर में है तो सब लोग अलग अलग खाते हैं। तो मैंने बोला नहीं आज सब लोग एक साथ में मिलके खाएंगे। श्रिम्प करी बनाने के लिए फर्स्ट मैं श्रिम्प को फ्राई करूंगी एंड श्रिम्प को आपको ज्यादा नहीं सिर्फ 2 मिनट्स तक फ्राई करना है। तो फिर ऑयल में मैंने ऐड कर दिया है 2 सिनेमन स्टिक एंड उसके बाद हम लोग ऐड कर देंगे टमाटर एंड अनियन पेस्ट। मैंने ये बनाया था फ्रॉम 1/2 अनियन एंड 1 मीडियम साइज टमाटर। तो टमाटर और अनियन पेस्ट जब अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए तब हम लोग ऐड करेंगे सॉल्ट, हल्दी पाउडर एंड रेड चिली पाउडर। तो अभी मैं ऐड कर रही हूँ अराउंड 1/2 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड फिर हम लोग को अच्छी तरीके से इसको फ्राई करना है। तो जब सारे मसाले अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए तब हम लोग इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे, फिर मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा गरम मसाला एंड इसको कवर करके रख देंगे।
तो एक बार ग्रेवी अच्छी तरीके से बॉयल हो जाए ना, देन आई ऐड द श्रिम्प, क्योंकि श्रिम्प अगर अभी मैं ऐड कर दूंगी ना तो श्रिम्प ना बहुत ही जल्दी रबर की तरह हो जाता है. तो ग्रेवी लाइक गैस ऑफ करने से 5 मिनट पहले आई ऐड द श्रिम्प, एंड फिर मेरे पास है कोकोनट मिल्क, आई ऐड कोकोनट मिल्क. एंड थैंक यू आप लोग, बहुत जन ने मुझे बोला कि पायल वंस यू ओपन द कैन तो आपको फिर लाइक जो रिमेनिंग रहता है उसको कैन में नहीं रखना है, तो फॉर दैट आई विल ट्रांसफर इन दिस डब्बा एंड फिर मैं फ्रीजर में रख दूंगी. सपोज ये कैन, दिस वन आई गॉट फ्रॉम अमेज़न, पर बहुत सारा सामान तो वी कैन गेट राइट. देन मेरे पास करी पत्ता नहीं था, आई गॉट सम ड्राई करी लीव्स, वो लाइक मैंने देखा इट्स गुड, लाइक वो स्मेल एरोमा पूरा लाइक फुल एरोमा आ रहा है करी लीव्स का. व्हाट टू डू, हम लोग के यहाँ पे जो इंडियन शॉप है ना, मुझे पता ही नहीं था, कल ही मेरे नेबर ने बताया था दैट इट इज क्लोज्ड. मुझे लगा ही था कि बंद तो होगा ही, तो वो बंद है एंड वो बहुत ही छोटा शॉप है. तो ग्रेवी इज ऑलमोस्ट रेडी, सो लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ श्रिम्प, धनिया पत्ता, एंड अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी कोकोनट मिल्क. एंड फिर अब गैस को ऑफ करके इसको स्टैंडिंग टाइम दीजिए फॉर अराउंड 10 मिनट्स. तो खाना बनाना तो इज ऑलमोस्ट ओवर, पर अभी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि डेजर्ट बनाते हैं. तो उसके लिए हम लोग को चाहिए सिर्फ 2 अंडा एंड ओनली एग व्हाइट्स वी वांट एंड सम शुगर. तो पहले हम लोग को शुगर को कैरेमलाइज करेंगे एंड हम लोग को एग व्हाइट चाहिए. तो पहले लेट्स एग लाइक योक रिमूव कर देते हैं. एंड जिस तरीके से वो कॉफी बहुत फेमस हुआ है ना, उसमें लाइक हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से कॉफी को विस्क करना पड़ता है, इन द सेम प्रोसेस यहाँ पे हम लोग को अंडा को बहुत अच्छी तरीके से विस्क करना पड़ेगा. तो यहाँ पे मैंने थोड़ा घी लिया है, अगर आप नहीं देंगे तो भी चलेगा. तो अभी मैं 1/4 कप ऑफ शुगर को कैरेमलाइज करूंगी एंड फ्लेम को आपको मीडियम पे रखना है एंड हाँ कॉन्स्टेंटली करछी को चलाते रहना है, थोड़ा पेशेंस चाहिए बट ट्रस्ट मी रिजल्ट बहुत अच्छा आता है. सो सी स्लोली स्लोली ये रेडी हो रहा है, कैरामलाइज हो रहा है एंड हम लोगों को ज़्यादा इसको थिक नहीं करना है, लाइक दिस इज़ द परफेक्ट कंसिस्टेंसी. सी दिस इज़ द परफेक्ट, ज़्यादा भी डार्क ब्राउन नहीं चाहिए. तो अभी हम लोग गैस को ऑफ कर देंगे. तो जिस बोल में हम लोग बनाएंगे ना उसमें अभी हम लोग इमीडिएटली ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है. एंड सी चारों तरफ से आपको स्प्रेड कर लेना है. तो चलिए अभी अंडे को हम लोग विस्क कर लेते हैं. एंड मैंने इसमें ऐड किया है अराउंड 2 टेबलस्पून ऑफ शुगर एंड एरोमा के लिए ना मैं इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ. अगर आपके पास वनीला एसेंस है तो डेफिनेटली यू कैन ऐड वनीला एसेंस. तो जब तक ना ये ठीक हो जाए आपको विस्क करते रहना है. लाइक आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ठीक हो गया है, दैट मीन्स इट इज़ रेडी नाउ. तो अभी हम लोग स्लोली स्लोली इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे एंड इवेनली आपको स्प्रेड आउट करना है चारों तरफ से. तो उसके बाद आपको थोड़ा टैप करना है ताकि अंदर में अगर कोई एयर बबल होना तो वो निकल जाएगा. तो अभी मैं थोड़ा टैप करूंगी ताकि अंदर में अगर कोई एयर बबल हो तो निकल जाएगा. तो अभी मैं कवर कर लूंगी इसको एल्यूमिनियम फॉयल से. तो एक पैन में मैंने किचन टॉवल लिया है एंड फिर मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 2 कप ऑफ वाटर एंड ये किचन टॉवल के ऊपर में ही मैं बोल रख दूंगी एंड फिर हम लोग इसको कवर कर लेंगे. तो पहले आपको फ्लेम को हाई रखना है. तो जब पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाए ना तब गैस को लो फ्लेम पे रख के अराउंड 15 to 20 मिनट्स तक रेडी हो जाएगा.
तो लेट्स सी क्या होता है. एंड हाँ, मैंने नीचे में ऐसा लाइक किचन टॉवल दिया है, पर अगर आपके पास वो एक स्टैंड मिलता है ना, यहाँ पे नहीं मिलता है, वो इंडिया पे रहता है, लाइक जहाँ पे गर्म खाना रखने के लिए वो स्टैंड मिलता है ना स्टील का, अगर वो है तो वो दीजिए. एंड उसके ऊपर में जिसमें आप करेंगे, यू कैन गिव दैट यूटेंसिल्स. तो बासुंती पुलाव बनाने के लिए ना, फर्स्ट हम लोगों को बासुंती पुलाव को लाइक राइस को थोड़ा गरम मसाला में बाय एडिंग थोड़ा कैशू नट एंड किशमिश बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई करना है. तो इसमें मैंने हाफ ऑयल एंड हाफ घी ऐड किया है. तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डन. एंड ये जो बासुंती पुलाव होता है ना, ये मीठा होता है. तो मेरा ये रेडी भी हो गया. एंड नाउ इज द मेन रिजल्ट का टाइम है. एलेक्सा स्टॉप. तो ये बिठाने के बाद ना आपको ऐसा 20 मिनट्स तक रखना होता है. तो अभी रिजल्ट का टाइम है, मैं पास हुई हूँ या फेल हुई हूँ. तो चलिए देखते हैं. सो अभी रिजल्ट का टाइम है. हिट हो फ्लॉप हो एवरीथिंग यू विल बी नोइंग. तो यह परफेक्ट निकल के आया है. तो लेट मी, या इट्स परफेक्ट. मैंने टूथपिक भी अंदर घुसाया. तो अभी हम लोग साइड को कट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ ए नाइफ. एंड नाउ इज द मेन पार्ट. सो इट्स परफेक्ट. तो पुडिंग खाने में अच्छा तो हुआ है, पर आई फील्स ना जो हम लोग नॉर्मल पुडिंग बनाते हैं वो ज़्यादा टेस्टी होता है. जैसे कि ये जब आप खाएंगे ना, यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज मेड आउट ऑफ एग वाइट. बट ओवरऑल चलो बहुत इजी है. एंड राय को पसंद आया क्योंकि हम लोग के घर में वही डेजर्ट, लाइक उसको ही ज़्यादा पसंद है डेजर्ट. तो अभी मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी. एंड वेट, एंड शायद ना लाइक जब मैं उसको व्हिप कर रही थी तब मैंने शुगर ऐड किया था. मैंने अराउंड 2 टेबलस्पून शुगर ऐड किया था. तो मुझे लगा थोड़ा कमती हो गया है. बट एनी हाउ यू हैव द कैरमेलाइज, लाइक कैरमेलाइज इट्स ऑफ शुगर ओनली, शुगर ही है तो वो आप देके खा सकते हैं. सो या इट इज गुड, बट ए वेरी इजी रेसिपी. बच्चे लोग बोले तो जल्दी जल्दी आप बना सकते हैं. तो यहाँ पे बासुंती पुलाव भी रेडी हो गया है. तो ये जो राइस है ना, ये राइस राय को इतना पसंद नहीं है. राय को लाइक फ्राइड राइस कुछ भी क्या बोल पुलाव ये सब इतना ज्यादा उसको पसंद नहीं है. उसको सिर्फ अच्छा लगता है प्लेन राइस. वो प्लेन राइस ऐसे ही खा लेती है. तो यही है हम लोग का बंगाली न्यू ईयर का स्पेशल लंच मेन्यू. एंड राय ने ऑलरेडी हाफ तो ये खा ही लिया है डेजर्ट, उसको बहुत अच्छा लगा. Shooting me with words, but I won't let them bruise. Even though it hurts, I won't show it to you. तो खाना सबको बहुत पसंद आया. एंड पहले ना मेरे हबी बोल रहे थे कि चलो हम लोग बाहर बैठ के खाते, पर बाहर में ना जैसे कि ट्री से ना बहुत ऐसा छोटा छोटा लीव्स गिरता रहता है. तो आप खाना खाएंगे उसमें गारंटी गिरेगा ही गिरेगा. एंड फिर बाहर लेके जाओ, फिर सब कुछ अंदर लाओ. मैंने बोला छोड़ो यार, लेट्स हैव इन दिस टेबल. यहाँ पे ऐसा भी हम लोग वंस इन ए वाइल ही खाते. आई थिंक सो लास्ट मेरे एनिवर्सरी पे खाया था हम लोगों ने. एंड अभी चलिए बाहर चलते हैं. मतलब मेरा तो आज मुझे और एक बाहर भी जाना है क्योंकि कल हम लोगों का गार्बेज है तो वो सब मुझे रखने जाना है. लवली वेदर. सब काम खत्म, लाइक सेम रिपीटेटिव वर्क इज ओवर. एंड अभी मैं आ गई हूँ ऊपर. एंड संडे मैंने कपड़ा आयरन किया था ना, जस्ट लुक, अभी तक ये यहाँ पे ही है.
क्योंकि उसके बाद मेरे हब्बी शायद ऊपर ही नहीं आए, मैं उनको बोलना भी भूल गई कि कपड़ा नीचे लेके जाओ, तो आज मैं उनको बोलूँगी अभी मैं ऊपर आ गई हूँ ना। लाइक कल या कल तो मैंने वीडियो नहीं बनाया था, हाँ तो कल मैं ऊपर ही नहीं आई थी, तो आज लेके जाएंगे। एंड थैंक यू, मेरा इंस्टाग्राम पे 5000 फॉलोअर हो गया। एक्चुअली मैं ना कभी इंस्टाग्राम एंड ऑल इतना देखती ही नहीं हूँ, एंड मैं राय को बोल रही थी, राय मेरा 5000, राय इज लाइक मम्मी तुम्हारा सिर्फ 5000 फॉलोअर है। मैंने बोला हाँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू विल सी कि मैं बहुत ही कम मैं वीडियो में बोलती भी हूँ। पहले तो मैं कभी भी नहीं बोलती भी थी कि फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज सी लाइक इंस्टाग्राम में यू हैव टू गिव पिक्चर्स, एंड हाफ ऑफ द टाइम तो मैं पिक्चर्स ही नहीं लेती हूँ। एंड लाइक इफ यू डू, इफ यू हैव लाइक फ्यूचर में अगर आपको बहुत सारा प्लान है इंस्टा पे, देन इट्स गुड, पर मेरा तो ऐसा कुछ प्लान है ही नहीं। ऐसा तो मोस्ट ऑफ यू नो कि मैं कोई प्रोडक्ट प्रमोशन वमोशन नहीं करती हूँ, एंड अभी कौन मेरा पिक्चर देखेगा। तो जब कभी वेन एवर आई मेक रेसिपी वीडियो ना, तब मैं अच्छी तरीके से सजती हूँ, दैट टाइम ओनली मैं एक पिक्चर पोस्ट करती हूँ। तो अगर मैंने कोई पिक्चर पोस्ट किया, देन बी श्योर कि कोई रेसिपी का वीडियो आया है, नहीं तो कौन पिक्चर लेगा। एंड राय का बहुत ही एक अच्छा पिक्चर आया है, आई शेयर विद ऑल ऑफ यू। यस, ये रात के सोने के टाइम, दिस इज ओनली द दुपट्टा मैंने रात को लाइक रिमेम्बर आई परचेज वन नथनी जो कितना बड़ा था, तो राय को मैंने वो नथनी पहना दिया था। ऐसे बहुत बड़ी बड़ी लग रही है राइट ये पिक्चर में, सो देन वी क्लिक्ड एंड राय को ऐसा मराठी लग रही है राइट। एंड मेरी मम्मी को मैंने भेजा, माई मम्मी इज लाइक कब ये तुम लोगों ने खींचा। मैंने बोला जस्ट वो सोने जाएगी उससे पहले, बिकॉज उसने अपना हेयर वेयर टाई कर लिया था। एंड देन मैंने बोला रुको मैं तुमको ऐसा ये नत्ती पहन के देती हूँ, एंड तुम ये दुपट्टा ले लो, लेट्स क्लिक सम पिक्चर, यू नो मस्ती। अभी क्या कर सकते हैं, जैसा हो सके वैसा चिल आउट, खुश रहिए एंड मस्ती करते रहिए। तो चलो, आई विल मीट यू ऑल टुमारो विथ ए न्यू वीडियो। एंड हाँ, जाने से पहले अगेन आई वॉन्ट टू विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर, या हैप्पी न्यू ईयर, या हैप्पी न्यू ईयर। आई होप सो यू ऑल हैव एन्जॉयड ए लॉट विथ योर फैमिली। तो इस वीडियो को एक लाइक, एंड जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, I am seeing. If you like my channel, please feel free to subscribe. So, chalo, bye bye.